हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की। जुपिटर नोटबुक पर यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रन कराना, इसका आउटपुट जरा आप मुझे बता सकते हैं तो बताइएगा विद द रीजन। वैसे तो मैं रीजन भी बता ही दूंगा वीडियो के एंड में, लेकिन आप भी मुझे रीजन लिख के भेजने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में। एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंट लगाना है। इंट लगा दिया और एक्स इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे वैल्यू 13.25। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंट दिया गया है तो 0.25 लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं है, लेकिन चलिए प्लस 4/2 करना है, 4/2। ठीक है, तो यहाँ पर जरा बोर्डमॉस का रूल लगाइए। बोर्डमॉस के रूल से 4/2 हो जाएगा 2 और 0.25 हट जाएगा क्योंकि इंटीजर लगा हुआ है, तो 13 को ही ये कंसिडर करेगा और 13+2 हो जाएगा 15, यानी आंसर आपका 15 आना चाहिए प्रिंट करवाने पर। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया और यहां से रन करवा दिया। ठीक है, तो यहां पे देखिए सिंपल आंसर आ रहा है 15। अब जो दूसरा क्वेश्चन